आ गई है नवरात्रों की स्पेशल मिठाई, जो कि आप 9 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और इसमें ना ही आपको फूड कलर डालना है, ना ही चीनी, ना ही चाशनी, बस कुछ ही चीज़ों से ये बनके तैयार हो जाती है। और घर में ही रखी कुछ चीज़ों का आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है 150 ग्राम पनीर। अब यहाँ पे देखिए, ये पनीर मैं डाल दे रही हूँ छोटे वाले मिक्सी जार में, और इसे ग्राइंड करना है आपको पल्स मोड पे। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे इसे मैं पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसे ग्राइंड करने से क्या होगा ना, आपको इसका बहुत ही फाइन सा आपको इसका पेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये ग्राइंड होता है, और आपको रुक रुक के चलाना है मिक्सी को। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल क्रीमी सा ये हो गया है तैयार। इसे रख देते हैं साइड में। आज हम बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनाने वाले हैं। और मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में डालना है 1 गिलास दूध, क्योंकि इसे हम नवरात्रों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऐसे नॉर्मल बना रहे हैं तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दूध को अच्छा सा बॉयल दे दिया, उसके बाद इसे हमें थिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर आपको फ्लेम को मीडियम कर लेना है, और इसके पहले आपको फ्लेम को हाई पर करना है, मैं बातों में भूल गई। अब यहाँ पर देखिए, मीडियम फ्लेम पर आपको इस थिकनेस तक दूध को लाना है, उसके बाद में आपको लो टू मीडियम पर कर लेना है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, दूध बहुत तेज़ी से नीचे लगने लगता है। आपको इसे लगातार चलाना है, गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो इसका टेक्सचर इस तरीके का हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने पनीर को ग्राइंड करके रखा था ना, तो ये पनीर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार आप बना के रख लेंगे ना, तो पूरे 9 दिन तक आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं, भोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो आप उसे भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ना ही यहाँ पर हमने घी का यूज़ किया है, ना ही चाशनी का। अब इन दोनों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर देंगे। अब हम कर लेंगे फ्लेम को ऑन। फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, और लो टू मीडियम फ्लेम पर पहले इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ये गर्म होता जाएगा, वैसे वैसे ये पतला होता जाएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटा पीस, मतलब कि हाफ कप गुड़। तो ये जो गुड़ है, इसे मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको गुड़ का टेस्ट नहीं पसंद है, तो इसी जगह पे आप शुगर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे गुड़ डाल दिया है मैंने, तो इससे क्या होगा ना, ना ही हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इसका कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, और लाइक नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी का यूज़ कर सकते हैं। गुड़ काफ़ी हेल्दी है, इसलिए मैंने गुड़ का यूज़ किया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, तो जैसे जैसे गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा ना, वैसे वैसे जो इसका कलर है हमारी बर्फ़ी का, पनीर बर्फ़ी का, उसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेम्पटिंग दिखने लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा, बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारी फ्लेम जो है वही है लो टू मीडियम। आपको फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, बस इसे आपको लगातार तब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये जो मिक्सर है ये पैन को छोड़ने नहीं लग जाता। तो बस बहुत ही फटाफट ये तैयार होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है इलायची को क्रश करके, हरी वाली इलायची थी ना वही, अगर आप लाइक करते हैं तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गुड़ का फ्लेवर है ना, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने पहले अपलोड की हुई हैं चैनल पर, आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डो जो है डो फॉर्म में आ चुका है, और ये पैन को छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, स्पैचुला में हमने उठाया और ये इस थिकनेस का हो चुका है। तो बस अब आप क्या कीजिए, फ्लेम को तुरंत से ऑफ़ कर दीजिए, और इसे यहीं पर छोड़ देते हैं हम। और यहाँ पर मैं एक प्लेट या फिर ट्रे आप ले सकते हैं, उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या घी से, मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसमें सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। तो ये जो है ना, ये इसमें मिक्सर डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे स्पैचुला से या फिर किसी भी चीज़ से इस तरीके से आप इसे शेप दे दीजिए, मतलब कि सेट कर लीजिए। अब इसके ऊपर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट डालिए, या फिर आप ऐसे ही इसे कट कर सकते हैं सेट होने के बाद। तो इसे सेट होने के लिए आपको रखना पड़ेगा लगभग 3 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे इसी तरीके से रख दीजिए। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर दिया है। अब इसे चाहे आप किचन काउंटर पर छोड़ दीजिए, या फिर आप इसे फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दीजिए। तो ये ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है, और इसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आपको ना देखने को मिलेगा कि ये बर्फ़ी जो है ना, बहुत ही माउथ वाटरिंग बनती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे बहुत ही आराम से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसे फ्रीज में रख दीजिए, या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन वो कम दिन तक चलेगी।
तो लीजिए तैयार है नवरात्रों की स्पेशल मिठाई। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में और बहुत सारी रेसिपी